देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। अतरौली क्षेत्रों के ग्राम सभा नगरिया खैराबाद के ग्रामीणों ने गांव में जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर गुस्से का इजहार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत की बात भी जिम्मेदार गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आरसीसी सड़क होने के बावजूद भी घरों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जब जब बारिश होती है तब तब सड़क पर जलभराव रहता है। रास्ते से गुजरने वाले लोग कभी कभी गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। घरों से निकलने वाले गंदे पानी से दुर्गंध उठती है। जलभराव की वजह से मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान एवं ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। गंदगी को लेकर ग्राम प्रधान राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से मैं प्रधान बना हूं हर बार पानी निकलवा देता हूं। अब बारिश हो गई, पानी भर गया है, ट्रॉली मंगा करके मैंने पानी निकलवा देता हूं। जब सड़क बनी थी लोगों ने नाली बनने के लिए जगह नहीं दी थी और पोखरों पर इन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है, इस वजह से जलभराव की समस्या रहती है। कुसेंद्र सिंह, राकेश कुमार, कन्हैयालाल सिंह, भानु प्रताप, मनोज कुमार, नरेंद्र सिंह, उदय सिंह, मोहित कुमार, खेम सिंह, विनोद कुमार, गौरी देवी, प्रीति देवी, नीलम देवी, प्रेमवती देवी आदि लोगों ने प्रदर्शन किया। राकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? नगरिया खैराबाद। अच्छा, किस तरह की समस्या हो रही है आपको गांव में? हमारे यहाँ समस्या क्या है कि जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पोखर है बराबर में ही, उस पोखर का पानी ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ पर लोगों के लिए बीमारियाँ, जैसे कि बुखार भी आता है और फोड़े फुंसी भी निकलते हैं, जिसके कारण हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी निकलने के लिए दिक्कत होती है। एक एक महीना हो गया बुजुर्ग महिलाओं के लिए, जो अम्मा हैं हमारी यहाँ, तो वो भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण हमारे लिए निकलने में, बच्चों स्कूल के लिए जाते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत होती है। ग्राम प्रधान से हमने कई एक बार बोला है, जिला पंचायत सदस्य से भी हमने कई एक बार बोला है। जिला सदस्य, जो पंचायत सदस्य कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ डॉक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार लोधी जी हैं, उनको भी कई एक बार बोल दिया कि भाई हमारी समस्या से नितांत कराइए, लेकिन हमारी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आपने प्रधान जी से शिकायत की इसके मामले में? हाँ जी, की है। हमने दो तीन बार मुलाकात की है, करीब तीन चार दिन पहले ही मुलाकात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ, आश्वासन दे दिया है कि हम इसको पानी को जल्दी ही निकलवाएंगे। कब से पानी भरा हुआ है? इसको करीब एक दो महीना हो गया भरते, जब से बारिश पड़ी है तब से पानी ओवरफ्लो हुआ है यहाँ पर। हमारे और भी गलियां हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है, 15 जून से भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसका पानी का निकलने का कोई साधन, हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारा ये प्रचार प्रसार होकर ये समस्या का नितांत हो जाए तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी, और जो हमारे बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको भी निकलने में आसानी मिले। करवाओ कछु करवाओ का कहते पानी को, मैं परेशानी, हम बीमार हैं और निकलने में महीना भर है गर्म, परे परे बताओ कब तक परी रखनी हम। अरे भैया पाँच और पाँच सड़ रहो मारो दवाई गोली को कहाँ से ला में पैसा टक रहने वाले हैं। नगलिया खैराबाद, क्या समस्या गांव की? समस्या इतनी है कि ये पानी भरा हुआ है, जब भी बारिश पड़ती है पानी भर जाता है। तो पूरे गांव की समस्या? पूरे गांव की समस्या है, उधर भी पल्ली तरफ भी गलियां हैं, उधर भी पानी भर जाता है, और प्रधान से भी बोलते हैं कि हाँ कर निकलवाएंगे, प्रधान नहीं सुनते। कई बार शिकायत हो चुकी है फिर भी अभी कोई समाधान नहीं हुआ है इसका। प्रधान जी बोलते हैं, आते हैं, देख जाते हैं कि हाँ करवाएंगे, अभी गए थे 15-18 दिन हो गए, जब भी बोला कि हाँ करवाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? नगलिया खैर। क्या समस्या है गाँव में? समस्या यह है कि बरसात 15 जून से बारिश हो रही है, तब से पानी भरा हुआ गांव में। पांच तालाब थी, पांच में से दो रह गई हैं, तीन पे कब्जा कर रखा है पूर्व प्रधानों द्वारा प्री प्लानिंग से, ठीक है। उसके लिए मैं बीडीओ साहब को यहां गांव में लेके आया था, सीडीओ साहब के भी यहां गया, डीएम साहब के भी यहां गया, लेकिन जो सांसद है सतीश गौतम जी, उनके हस्तक्षेप की वजह से इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कब्जा लोगों का बरकरार है अभी तक, न कब्जा हटा है और ना ही इस पानी का कोई समाधान हो पा रहा है। अगर दोबारा तालाब खुदवा दी जाए, वो इस तालाब के सौंदर्यकरण के लिए भी मैंने मांग की थी, लेकिन अभी तक इन तालाबों का कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ है। पानी जब सौंदर्यकरण नहीं होगा तो पानी जाएगा कहाँ? तालाब अट चुकी हैं, खुदाई दोबारा होकर के मैंने प्रधान को भी बोला था, लेकिन प्रधान ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की अभी। प्रधान जी से आप बोलते हैं कि हमारे गाँव में पानी भरा हुआ गलियों में, बच्चे जगह जगह देख रहे हैं, डेंगू के मरीज भी निकल रहे हैं, तो जिसको लेके क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस यही कहा है भैया कि मैं निकलवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक पानी नहीं। कितने दिन से बोल रहे हैं आप उन्हें? कम से कम पिछली साल भी हमने बोला था, इस बार भी बोला है, जब बरसात होती है तभी ये दिक्कत आती है। तो प्रधान जी गांव में आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए? आते नहीं, वो डॉक्टरी करते हैं और वो अपने कल्याणपुर में रहते हैं ज़्यादातर। उनकी वाइफ प्रधान है, एक्चुअली लेडीज प्रधान है,
उनके पति जो है राजेश कुमार, वो आते भी है तो बस देख के चले जाते हैं और उसके